ધર્મ સ્નેહી ભાવાત્માઓ એક દોહા પડા થા આપકે સામને રખ દેતે હૈ દોહા ને શ્લોક થા નમોકાર સમમ મંત્રમ બીતરાગ સમમ પ્રભુ સંમેદા ચલમ યાત્રા ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. રમોકાર કે સમાન સંસાર મેં કોઈ દૂસરા મંત્ર નહીં હૈ. સારે મંત્રો કો એક તરાજૂ કે ઉપર રખ દો, એક પલડે કે ઉપર રખ દો, ઓર એક તરફ નમોકાર મંત્ર કો રખ દો, નમોકાર મંત્ર કા પલડા ભારી હો જાતા. એક કિવદંતી હૈ કે સમુદ્ર કા મંથન હુઆ ઓર સમુદ્ર કા મંથન કરતે કરતે અંત મેં ક્યા નિકલા, અમૃત નિકલા. તો સમુદ્ર કા મંથન કરને મેં અમૃત મિલતા હૈ ઓર દહી કા મંથન કરતે કરતે નવનીત મિલતા હૈ ઓર નવનીત કો અગર તપા દિયા જાય તો ઘી કી પ્રાપ્તિ કરતી હૈ. ઉસી પ્રકાર સે સારે દ્વાદ સંગ કા મંથન કિયા જાય તો આચાર્ય ભગવંત કહેતે હૈ કે પૂરે કે પૂરે દ્વાદ સંગ કા મંથન કરકે સારભૂત નમોકાર મંત્ર નિકલતા. ઇસ નમોકાર મંત્ર મેં ક્યા નહીં હૈ, ઇસ નમોકાર મંત્ર મેં સબ કુછ હૈ, બસ ઇસકે ઉપર શ્રદ્ધા હોના ચાહીએ. કહેતે હૈ કે પંખો પર વિશ્વાસ નહીં વહ પરિંદા ક્યા, પંખો પર વિશ્વાસ નહીં વહ પરિંદા ક્યા, ચરણો પર વિશ્વાસ નહીં વહ ચરિંદા ક્યા. સિર્ફ શ્વાસ લેને કા નામ હી જિંદગી નહીં હૈ બંધુઓ, જિસકો અપની આત્મા ઓર પંચ પરમેષ્ટિ કે ઉપર વિશ્વાસ નહીં વહ જિંદા ક્યા. હમારી આત્મા પંચ પરમેષ્ટિ સ્વરૂપ હૈ, અગર ઉસ આત્મા કી શક્તિ કો પ્રગટ કર દિયા જાય તો યહ આત્મા પરમાત્મા બન જાતી હૈ. રમોકાર મંત્ર એક એસા મંત્ર હૈ જિસ મંત્ર કો આપ કહીં સે ભી પઢ લો, ચાહે શરૂ સે પઢ લો, ચાહે આખરી સે પઢ લો, ચાહે બીચ કે પદો સે પઢ લો, વહ કહીં સે ભી પઢ લો, વહી ફલ દેતા હૈ. જૈસા આપ શરૂ સે પઢતે હૈ, ચાહે આખરી સે પઢતે હૈ, ચાહે મધ્ય સે, ઓર યહાં તક કે આચાર્ય ભગવંતો ને કહા કે અગર અંતિમ શ્વાસે નિકલ રહી હૈ તો કોઈ એક પદ ભી અગર મુખ સે નિકલ ગયા તો ઉસકી આત્મા પવિત્ર હો જાતી હૈ, સદગતિ કો પ્રાપ્ત કર લેતી હૈ. રસગુલ્લા આપને નામ સુના હૈ, મહારાજ નામ ક્યા, ઉસકા તો અનુભવ હમને અચ્છે સે લિયા. તો રસગુલ્લે કો અગર આગે સે ખાએ તો અલગ લગતા હૈ, પીછે સે બીજ સે, હે આપ લોગ બતાઈએ,
महाराज रसगुल्ले को कहीं से भी खाओ एहे? सब एक जैसा लगता है। ऐसे ही ये नमोकार मंत्र के पद इससे भी कहीं बढ़ करके आनंद देने वाले। इन पांच पदों में पंच परमेष्ठी हैं। अरहंत भगवान भी परमेष्ठी हैं, सिद्ध भगवान भी परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी भी परमेष्ठी हैं, उपाध्याय भी परमेष्ठी हैं और साधु भी। इनको कहीं इसमें अलग अलग नहीं, एक ही, सबको पांच को ही परमेष्ठी कह दिया। इन पांचों को महागुरु कह दिया, पंच महागुरु भक्ति नाम सुना है आप लोगों ने। पंच महागुरु भक्ति में कौन कौन आते हैं? अरहंत सिद्ध को महा कह देते, इनको थोड़ा सा कम कह देते, पांचों को महागुरु कह दिया। और इन पांचों को पंच देवता भी कह दिया। अरहंत भी देवता हैं, सिद्ध भी देवता हैं, साधु आचार्य उपाध्याय इन सबको एक ही संज्ञा में रख दिया। किसी ने प्रश्न उठाया कि अरहंत और सिद्ध तो देव हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु को देव संज्ञा देना ठीक नहीं, तो आचार्य भगवंतों ने इसी प्रश्न का उत्तर भी दिया कि जैसे अरहंत और सिद्ध में रत्नात्रय की पूर्णता होती है, ऐसे ही आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु में भी यह रत्नात्रय एक देश रूप में रहता है। इसलिए जब रत्नात्रय इनमें है तो रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय देव है, रत्नात्रय गुरु है, रत्नात्रय परमेष्ठी है। और बिना रत्नात्रय के ये शुरुआत होती नहीं, इसलिए एक देश रत्नात्रय इनमें भी पाया जाता है, इसलिए ये भी इन सबकी श्रेणियों में आ जाते हैं। इसलिए इनकी आराधना जो करता है वह एक दिन उन जैसा बन जाता है। जैसे दीपक की आराधना करते हुए बाती भी दीपक रूप हो जाती है, ऐसे ही इन पंच परमेष्ठी की आराधना करने वाला इन पंच परमेष्ठी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आज तक जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं या हो चुके हैं, हो रहे हैं या हो आगे होंगे, वो सब ममोकार मंत्र की आराधना के माध्यम से ही हुए हैं। सर्दी का समय है, आप लोगों को सर्दी तो नहीं लग रही? ऐसी ठंडी, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, चारों ओर साएं साएं हवाएं चल रही हैं। चारण रिद्धिधारी एक मुनिराज नगर के किनारे एक खुले स्थान पर एक शिला के ऊपर आकर के बैठ गए। शाम का समय है, संध्या काल है, और उस संध्या काल के बाद विहार नहीं करते और रात्रि योग उन्होंने धारण कर लिया और हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए। बाहर से कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं है, जंगल से एक ग्वाला वहीं से निकल रहा था
और देखा कि इतनी ठंडी पड़ रही है, इनके ऊपर एक धागा भी नहीं है, इन मुनिराज की सेवा मुझे करना चाहिए। जल्दी से घर गया और उन बछड़ों को या गायों को जिन सेठ जी के यहाँ चराने जाता था, और उसी स्थान पर आ गया। उसने आसपास से लकड़ियों को इकट्ठा किया और अग्नि जला करके मुनिराज के ही सामने और अपने हाथों को गरम करता और महाराज के शरीर को सेंकने लगा। ऐसे करते करते पूरी रात वैयावृत्ति वह करता रहा। किसी ने कहा है कि दर्द तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजानों में। यह लाल अमीरों के खजानों में नहीं मिलता, रुपये पैसों के माध्यम से ये फकीर नहीं मिलते, ये तो फकीर आपके पुण्य और भक्ति के माध्यम से मिल जाते। कोई कहे कि महाराज करोड़ रुपए ले लो और आप तो यहीं रुक जाओ, तो कहते हैं हमें करोड़ अरबों से मतलब नहीं है, और आप लोग थोड़ी सी भक्ति विनय और समर्पण दिखा देते हो तो महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाओ और अपने कर्मों की निजरा करते चले जाओ। ऐसे वह मुनिराज अपने ध्यान में लीन हैं, तत्व चिंतन में लीन हैं, वैराग्य भावना में लीन हैं। ऐसे करके उनकी पूरी रात व्यतीत हो गई और सुबह जब उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा तो सामने देखा ये कौन है, वह ग्वाला है, और भैया वित्ती करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठा है। एक ग्वाले के अंदर इस प्रकार की सेवा करने के भाव आ जाते हैं। जिसने कभी कुछ स्वाध्याय नहीं किया, जिसने कभी साधुओं के प्रवचन नहीं सुने, लेकिन जिसकी होनहार अच्छी होती है, भवितव्यता जिसकी कुछ अच्छे रूप में प्रकट होने वाली है, ऐसे भव्य जीवों के अंदर इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। और मुनिराज ने भी इसको भव्य जान करके, भव्य क्या, ये तो निकट भव्य है, और उससे कहा सिर्फ मुख से नमोकार मंत्र बोला, नमो अरिहंतालम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अच्छायाणम नमो लोये सव साहुणम। पूरे द्वादशांग का सार उनके मुखारविंद से निकल गया। रमो अरिहंताणम, इसका अर्थ क्या है? हम
अरहंतों को नमस्कार हो। अरहंत भगवान कहाँ हैं? सिद्धालय में तो सिद्ध हैं, अरहंत भगवान कहाँ हैं? तो कहते हैं कि ढाई दीप में जितने अरहंत हैं उनको नमस्कार हो, है ना? ऐसा ही है? नहीं, इसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ये गाथा सूत्र है। इससे नमो अरिहंताणम से अरहंतों को नमस्कार तो हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ इतना ही नहीं निकालना, क्योंकि अंतिम पद इसका रमो लोए सव साहोड़म। तो लोए शब्द और सव शब्द सभी पदों के साथ जोड़ना चाहिए। जब अर्थ निकालते हैं तो अर्थ क्या निकलेगा? रमो लोए सव अरह अरिहंताणम। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। अब अरहंतों को नमस्कार कह दिया तो इतने में ही अरहंत आ गए थे, लेकिन लोक के सब शब्द क्यों जुड़ा? ऐसा प्रश्न उठाया तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि रमो लोए सव सब अरिहंताणम का अर्थ क्या होता है कि अतीत में जितने अरिहंत परमेष्टि हो चुके हैं, अतीत में कितने अरहंत परमेष्टि हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? अनंतानंत। वर्तमान में जितने अरिहंत हैं तो कितने हैं? ये तो संख्यात है, ज्यादा नहीं। भविष्य में जितने अरहंत होंगे, भविष्य में कितने अरहंत होंगे? तो अतीत में जितने अरिहंत हो चुके हैं इनसे भी अनंत गुणे अरहंत भगवान होंगे, जिनका कभी अंत आने वाला नहीं, अनंत काल के बाद भी यही कहा जाएगा, कभी अंत नहीं। एक बार रमो अरिहंताणम कहते ही अनंतानंत अरहंत भगवानों को नमस्कार हो जाता।